अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दाल के हवाले से। तो कौन सी दाल है मम्मा? वो मूंगी की दाल। मूंग की दाल, तो हम लोग आज पीली मूंग की दाल बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखना कि ये जो मज़ेदार सी दाल है किस तरह बनेगी, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स को हम लोग ये बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि दाल गोश्त, और जिस तरह की आगे ईद आ रही है तो फिर लोग कहते हैं कि हम लोगों ने गोश्त खाना है, लेकिन कुछ लोग मतलब कहते हैं गोश्त खा के हम लोग आ गए हैं, तो किस तरह मतलब उसको डिफरेंट किया जा सके। तो हम लोगों ने आपको दाल सिखा दी, तो आप उसको दाल गोश्त भी बना सकते हैं। तो मम्मा, हम लोगों ने रेसिपी को शुरू कर दी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ना मैंने प्याज ना एक लेके ना छोटा सा, तो हल्का सा कलर दे के ना टमाटर डाल के ना मसाला भून के फिर पकानी है। अभी हम लोग मतलब यहाँ प्याज को हल्का सा कलर दे हाँ रहे हैं। जी हाँ जी, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे तो, और जो उसके अंदर स्पाइसी है वो ऐड करेंगे। हाँ जी, तो मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल डाल के ना थोड़ा सा पानी डाल के ना हल्की आग पर रख देंगे, बड़ी मज़े की बनती है, गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बहुत टेस्टी होती है। फिर अभी हम वेट करते हैं जरा हमारे प्याज हो जाए। हाँ जी, ठीक है व्यूअर्स, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। हाँ जी, ये मैंने टमाटर डाल दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि नाज़रीन, हम लोगों ने जो प्याज है ज़्यादा कलर नहीं इनको किया, बस हल्का सा कलर किया है, और उसके बाद मामा ने टमाटर शामिल कर दिए हैं। तो हम लोगों ने मामा कितना, एक या दो टमाटर कितने लिए? एक टमाटर, हल्दी, नमक, ज़ीरा। ठीक हो गया, हल्दी, नमक, ज़ीरा भी हम लोगों ने शामिल कर दिया है, प्याज और टमाटर शामिल किए। यहाँ पर जो इसका मसाला है वो तैयार हो रहा है दाल का, मूंग की दाल की आज की हमारी रेसिपी है। आधी चम्मच मिर्च की, आधी चम्मच दादरी मिर्च की, बस अपनी मर्जी से भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्पाइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं ज़्यादा तीखा खाना, जो कुछ लोग नहीं करते। तो हम लोगों ने आप लोगों को रैंडमली आइडिया दे दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अपनी आप लोग जितना आप चाहते हैं उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मसाला भून रहे, तो मामा कितनी देर इसको भूनेंगे मज़ीद हम लोग? बस 5 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो मूंग की दाल है, आप इसको मतलब बगैर प्रेशर वगैरह के बना सकते हैं, इसको हंडिया में बनाया जा सकता है। कुछ लोग मतलब डर लगता है प्रेशर कुकर यूज़ करने में, मुझे खुद बहुत डर लगता है, मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर सकती, ना ही करती हूँ, और अगर घर में करते तो मम्मा ही करते, मम्मा ही लगाते, मुझे तो वो बहुत चलता फिरता बस डर लगा रहता है कि आप फटा फटा, अल्लाह माफ़ करें। तो आप लोग मतलब जिन लोगों को नहीं आती बनानी, प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते, तो आप लोग ये वाली दाल तो मतलब आसानी अपने बर्तन में भी, देश की अपनी हंडिया में भी बना सकते हैं। तो वही हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं आज, तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें, तो हमें फ़ीडबैक दें कि जो हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं रेसिपीज वो कैसी लगती हैं, उनका बनाने का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहता है। तो यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं, मसाले की खुशबू आना शुरू हो गई है, बुनाई की बहुत ज़बरदस्त। तो पहले हम जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही अच्छी हमारी जो दाल है वो बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर टमाटर भी ज़रा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने टमाटर डाले तो ये भी सही तरह से नहीं गल सके, इनकी शेप अभी वैसी ही है जैसे भी डाला था। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरह से धो लेते हैं, और फिर इसके बाद दाल शामिल करते हैं। हाँ जी, मैंने पानी डाल दिया, बस हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी का शामिल कर दिया है, और अब ये जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो हमारी दाल है इसको हम डाल रहे हैं। इसे एक उबाला दिला के ना आग हल्की कर देंगे इसकी, ये मैंने मसाला भून के पकाई है। चलें, बस उबाला आ जाएगा ना तो फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, फिर दिखाते हैं। हाँ जी, ये उबाला चढ़ गया ऐसे, तो आग ना हल्की कर दी मैंने, अब मैं ना इसे ढकना देके ना मतलब दम पकने के लिए रख रहे हैं। हाँ जी, पकने के लिए। तो कितनी देर के लिए हम उसे पकने के लिए रखेंगे? ये दाल जो हो जाएगी तो बस सही है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी दाल को बना लिया है, और यहाँ पर इसको हमने पकने के लिए रख दिया है, ढक्कन इसका बंद कर दिया है। तो वेट करते हैं कि हमारी दाल बन जाए और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी दाल है वो बिल्कुल तैयार हो गई, हम लोगों ने उसे दम पर रख दिया था पकने के लिए, तो पक गई, और माशाल्लाह देखिए हम गाढ़ी भी कितनी अच्छी हो गई। इसके बाद मम्मा ने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है,
ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका और मज़ीद उबाला हो जाए, डेवलप हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह तो डाले हैं, लेकिन ये ग्रीन चिली देखिए माशाल्लाह दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ये। और अब मम्मा इसके अंदर डाल रही है कसूरी मेथी। ओके, तो कसूरी मेथी भी हम लोगों ने डाल दी, इससे ज़रा ये है कि इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी और जायका भी इसका अच्छा हो जाएगा। ओह वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसकी। अब मम्मा इसको मिक्स कर रहे हैं, तो अब हम मम्मा इसका मतलब फाइनल हो गई है। हाँ जी, फाइनल हो गई है ये, मतलब थोड़ा सा घी आ जाए इसके ऊपर, तो फिर मैं ना निकाल के दिखा दूँ। ठीक है, मतलब वैसे तो हमारी ये दाल बिल्कुल डन हो गई, लेकिन अब हम लोग इसके ऊपर घी आने का वेट कर रहे हैं। तो आप जैसे बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोग इसके घी आने का वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो मज़ेदार सी जो दाल मूँग की दाल है। हाँ जी, पीली मूँग की दाल ये जो हम लोगों ने बनाई है, तो आपको अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, अब हमारी जो सी दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो हम लोग आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके ऊपर देखिए आप लोग घी कितना ज़बरदस्त आ गया है, तो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है, तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको बगैर कुकर के बना लिया। तो वो लोग जो मतलब स्केयर इस हवाले से कि हम लोग कुकर यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी इस चीज़ की हक़ में नहीं हूँ कि इस्तेमाल करें, करते तो मम्मा ही करते हैं घर में इस्तेमाल, तो आप लोग बना सकते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी ये दाल हमारी तैयार हो गई है, मूंग की दाल है ना ये हमारी। हाँ जी, इसके साथ चावल भी। तो हम लोग चावल के साथ बॉईल करके खा सकते हैं, कि सर्विंग हम लोग चाहे तो रोटी के साथ कर लें, चावल के साथ कर लें, वो आपकी मंशा है, वो आपकी चॉइस है कि आप लोग इसको कैसे लेना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखिए इसका फाइनल लुक आ गया है, बहुत ही अच्छी बन गई है दाल। तो आप लोग इसको ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये जो हमारी आज की रेसिपी है ये कैसी लगी है। उम्मीद करते हैं अच्छी लगेगी, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग दोबारा आपके साथ एक नई और स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।